दिस मेरे को कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। आपने तो मोबाइल पर हो लैपटॉप पर हो? मोबाइल पे हूँ सर, लैपटॉप चलिए थोड़ा स्टार्ट सा कर। मेरा प्रॉब्लम हो गया इस वजह से। दिस एनी आइडिया कॉन्फ्रेंस व्हाट विल नाउ बी रिकॉर्डेड। कि अगर हम AWS की बात करते हैं तो सिंपल सा जी कि क्लाउड है क्या? क्लाउड का आइडिया है? व्हाट इज नहीं सर, क्लाउड? ऐसे अभी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है सर। अगर मैं क्लाउड की एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो क्लाउड क्या है? आपकी एक पेड सर्विस है। फाइन, ओके, पेड सर्विस। एक या ओके, और पेड सर्विस का मतलब है इट प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ ओके, इंफ्रा, ओके, जो भी ऑल काइंड्स ऑफ आपका हो गया IT इंफ्रा, देन आपका IT सॉफ्टवेयर ओके, एंड आपने ये अपना ना माइक ऑफ कर लो क्योंकि मेरे को इको साउंड आ रहा है। ठीक है ना, IT इंफ्रा हो गया, IT सॉफ्टवेयर सर हो माइक गया। माइक ऑफ करने के लिए है, बता देंगे थोड़ा सा कौन से चलो ऑप्शन ऑन में। रहने, ऑन रहने दो, बोलना मत कुछ। ठीक है, जब मैं पूछूँ ना तभी बोलना। देन ओके तो श्योर। इट प्रोवाइड द ऑल काइंड्स ऑफ IT इंफ्रा, IT सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अदर IT रिसोर्सेज वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब है कि आप कोई भी चीज, किसी भी चीज को अपने पास नहीं है, वो किसी अदर लोकेशन पे। अदर लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लुक लाइक का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दीज आर द 3 सर्वर्स। आपने देखे होंगे कि लाइक का एक मैं बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ फेसबुक, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जी मेल, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब। अब आप क्या करते हैं, फेसबुक पे भी आप अपने दिस इज इंटरनेट एंड द ऑल सर्वर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड दिस इज योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फोन एंड यू आल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट। अब आप क्या करते हो, यू कैन अपलोड द सम पिक्स। आपने कुछ फेसबुक पे कुछ पिक्स अपलोड करें तो वो पिक्स आपकी कहां पर जाके सेव होंगी? फेसबुक के सर्वर पर। आपने कोई मेल करी या कोई अटैचमेंट लगाई तो वो कहां पर होंगी? जीमेल के सर्वर पर। या आपने कोई वीडियो बनाई और वीडियो आपने अपना कोई फेसबुक का चैनल, यूट्यूब का चैनल बना रखा है तो वो कहां पर जाके सेव होंगी? यूट्यूब पर। तो यहां पर आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, बनाई आपने, लेकिन वो यहां पर सेव हो रही है। यहाँ पर आपके, मैं कहता हूँ, 100+ फ्रेंड्स हैं, तो वो जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स आपकी फोटो को वर्चुअली देख रहे हैं या फिजिकली? या आपने जो अपलोड करी है वो वर्चुअली करी है या फिजिकली करी है, बताओगे जरा? ओके सर, वर्चुअली तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया ना कि मान ले कि अपना फोटो डायरेक्टली ले गैलरी से उठाकर हम शेयर कर दिए हैं या पोस्ट कर दिए हैं, और वर्चुअली है फिजिकली ना तो हाँ वर्चुअली है। YouTube, अगर आप YouTube पे आप वीडियो देख रहे हो, वर्चुअली है फिजिकली है? वो तो सर बट वर्चुअली है। वन मोर थिंग कि यहां पर जो आपकी घर की हार्ड डिस्क है आपके सिस्टम पर, हो सकता है कि यहां पर जो वीडियो डाली वो आपके हार्ड डिस्क में भी पड़ी होगी, जो यहां पर आपने अटैचमेंट लगाई है किसी फाइल की वो इस हार्ड डिस्क में भी होगी आपके लैपटॉप में, और यहाँ जो फेसबुक पे आपने फोटो अपलोड करी है वो भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगी। दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, लोकल है। ये क्या है, लोकल लोकल है। स्टोरेज है। और यहाँ जो आप इन चीजों को पब्लिश कर रहे हो, फेसबुक पे या जीमेल पे मेल कर रहे हो, यूट्यूब पे आप कर रहे हो, वो आपके कहाँ पे सर्वर है? वो आपके किसी अदर लोकेशन के सर्वर्स है ना। लाइक यहाँ पर जो आपने वीडियो अपलोड करी है वो कहाँ पर स्टोर है? वो यहाँ पर यूट्यूब के लोकल हार्ड ड्राइव में सेव हुई होगी, ये यहाँ पर जीमेल के लोकल हार्ड ड्राइव में सेव हुई होगी, और ये यहाँ पर फेसबुक के लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हुई होगी। गॉट इन माई पॉइंट? यस सर, बट आप इन हार्ड ड्राइव्स को
फेसबुक की फोटो तो आप देख पा रहे हो, और वो फोटो भी कहाँ पर है, फेसबुक के इसमें है। अब आपका अगर कोई अदर फ्रेंड अवेलेबल है, लाइक आपका फ्रेंड है ये, और ये फ्रेंड आपका फेसबुक करता है, और अब ये अगर आपका फेसबुक एक्सेस करता है और आपका आपकी पिक देखता है, तो ये जो पिक है ये आपको आपके स्टोरेज से नहीं दिखाई देगी। ये ये पिक फेसबुक के आपको सर्वर कहाँ से से देखते दिखाई, ये आपको फेसबुक के जो स्टोरेज है ना, फेसबुक का जो हैं। स्टोरेज है उस स्टोरेज में से आपको शो होगी, यहाँ से शो नहीं हो रही, वो फेसबुक के स्टोरेज, क्योंकि यहाँ इस स्टोरेज के अंदर वो पिक सेव हो चुकी है। राइट, आपका तो लैपटॉप बेशक बंद हो, फिर भी कोई भी आपकी फोटो को देख सकता है, आपने जो वीडियो अपलोड करी है उसको देख सकता है ये भी। बट आप भी अगर इसको देखेंगे तो आप भी क्या वर्चुअली देखेंगे, क्योंकि अब ये आपके लोकेशन पर चीजें अवेलेबल नहीं है, ये आपने किसी अदर लोकेशन पर भेज दी है। अब अगर आप यहाँ से इस चीज को डिलीट भी कर देते हो, आपने अगर अपनी लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दी, तो भी आपका डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, फेसबुक के फेसबुक सर्वर पर, पे जीमेल पर और यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे अगर कोई डेटा है तो वर्ल्ड वाइड आप कोई वीडियो कोई भी कहीं भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, आपने चैनल बनाया है। फेसबुक पे आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई भी आपकी फोटोज वगैरह सारी चीजें देख सकता है। गॉट इट, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट भी है। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि पहले क्या होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता था तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने खुद के सर्वर्स इंप्लीमेंट करने पड़ते थे। गॉट इट, उसे अपने हर ओके प्रोजेक्ट के लिए अपने सर्वर्स लगाने पड़ते थे। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि सपोज दिस सर्वर यूज ओनली 20%, और जो फ्री है वो यहाँ पर जो फ्री पड़ा हुआ है वो 80% फ्री पड़ा हुआ है सर्वर। 80% रिसोर्सेज क्या पड़ी है फ्री सर्वर है की, फ्री पड़ी हुई है। कोई भी सर्वर एटलीस्ट 90% तो यूज होना चाहिए। बट कंपनी कहती है क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि मैं अपने फ्री रिसोर्सेज को यूज कर पाऊं? क्यों? क्योंकि तो कंपनी के पास फिर से कोई न्यू प्रोजेक्ट आया जहां पर 10 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, और 10 सर्वर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने क्या करा, फिर से नए 10 सर्वर्स बाय कर लिए, और उनके अंदर भी सेम चैलेंज आ रहा है कि 20-30% यूज हो रहा है, रिमेनिंग 80-70% फ्री पड़ा हुआ है। तो दिस इज अ बिग चैलेंज। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी, एंड दिस टेक्नोलॉजी नेम इज वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज था कि वर्चुअलाइजेशन के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे लाइक HYPER, हाइपर वी, देन एआई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ESXi, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सिट्रिक्स का जेन सर्वर, या आई एम टॉकिंग अबाउट KVM, दे आर द डिफरेंट डिफरेंट जो वर्चुअलाइजेशन टूल्स है। इन वर्चुअलाइजेशन टूल्स का क्या काम है कि जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं, ये वर्चुअलाइजेशन टूल्स उन फ्री रिसोर्सेज का यूज करके यहाँ पर वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देते थे। तो वर्चुअलाइजेशन की टूल्स से हम क्या करते हैं, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हैं, कहाँ पर, फिजिकल सर्वर्स पर। तो इस सिनेरियो में मुझे कोई सर्वर खरीदने की जरूरत पड़ी, लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक लैपटॉप है, दिस इज अ वन लैपटॉप, और इस लैपटॉप के अंदर द रैम है आपकी 10 GB, 16 GB आपकी रैम है, जिसमें से यूज कितनी हो रही है, मैं बात करता हूँ 4 GB, 4 GB यूज हो रही है, तो फ्री कितनी है, 12 GB, यस सर 12 GB फ्री है। देन सेम एज कि यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क आपकी 1000 GB है, यानी कि 1 TB, जिसमें से यूज हो रही है आपकी 200 GB, तो फ्री कितनी है, 800 GB, 800 GB। अब आपने क्या करा कि आपने कहा कि यार मेरे पास इतनी रिसोर्सेज फ्री है, तो आपने क्या करा, अपने लैपटॉप पर एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करा, और अब आपने क्या करा, वर्चुअलाइजेशन टूल के हिसाब से आपने यहाँ पर 3 वर्चुअल मशीन बना दी। अब एक मशीन को आपने दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, एक को आपने दे दिया सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का, और एक को आपने लाइक दे दिया, मैं कहता हूँ विंडोज 8।
गॉट इट। और आप खुद यूज कर रहे हो विंडो 10, तो यहाँ पे टोटल कितनी मशीन हो गई? चार। दिस इज, क्योंकि दिस इज ऑरेंज कलर इज योर फिजिकल मशीन। ओके, जिसको आप यूज कर रहे हो, फाइन। बट अब आपके तीन ब्रदर्स और हैं, और वो तीनों ब्रदर्स के पास पुराने लैपटॉप्स हैं, और ये पुराने लैपटॉप्स को ये आप लोग वाईफाई आपके घर में एक लगा हुआ है, और वाईफाई से आपने अपनी नई मशीन भी कनेक्ट करी हुई है, और आपके ब्रदर्स भी क्या है, कनेक्टेड है, और आपके ब्रदर्स भी कनेक्टेड है। अब होगा क्या कि ये जो VMs आपने यहाँ पर बनाई है ओवर द इंटरनेट, अब आपके ब्रदर के पास जो रैम है ना इन सिस्टम पे, मैं अगर बात करता हूँ कि इन सिस्टम की जो रैम है, मैं कहता हूँ 1 GB है, जिससे सिर्फ इंटरनेट ही चल सकता है। गॉट इट? ओके, जिस पर से आप इंटरनेट ही चला सकते हो, या MS Word यूज कर सकते हो, या मैं कहता हूँ 2 GB रैम है, या विंडो XP विंडो पड़ी हुई है, फाइन। तो अब आपको लाइनक्स सर्वर या विंडोज चाहिए, तो अब आपके फादर के पास पैसे नहीं है, तो आपने कहा ठीक है एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का मेरे पास है, मैं वर्चुअल मशीन, तो आपके ब्रदर क्या करेंगे, यही वर्चुअल मशीन को ओवर द इंटरनेट यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे और अपना काम कर सकते हैं। ये आप नेटवर्क के थ्रू इन वर्चुअल मशीन को लाइनक्स की एक्सेस कर ली, विंडोज की एक्सेस कर ली, और विंडो 8 की। अब ये जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम जो आपकी हार्ड डिस्क है ना 800 GB, इसी के अंदर जाके ये काम सेव होगा। तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहां पर स्टोरेज भी आपको देना पड़ेगा। आपने अगर इसको दे दिए 4 GB रैम और 200 GB, तो इसको यहाँ पर 4 GB रैम 200 GB, अगर आपका लैपटॉप i7 है तो ये मशीन भी यहाँ पर जो वर्चुअल आई है वो i7 ही बनकर आएगी। इस समय यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज यूज हो रही है वो किसकी हो रही है, आपके इस लैपटॉप की, फिजिकल मशीन की। गॉट इट माय पॉइंट? हाँ जी, यस, ठीक है ना, फिजिकल मशीन की। दिस इज अ वर्चुअलाइजेशन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि ये जो हमारा क्लाउड है, कि ये जो हमारा यहाँ पे क्लाउड है, तो क्लाउड पर जो भी चीजें बनती हैं वो, यानी कि हमारे सर्वर पर जो भी चीज वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें वर्चुअलाइजेशन के ये टूल्स अवेलेबल है, हाइपर वी, ESXi, जैन सर्वर एंड KVM। ये टूल है सर? माय पॉइंट, हाँ ये टूल्स है। ओके, ठीक है ना। अगर आप विंडो 10, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो और आपका प्रोफेशनल या एंटरप्राइज एडिशन है, तो उसके अंदर भी हाइपरवाइजर टूल्स होता है, और आप खुद भी बना सकते हो अपने लैपटॉप पर, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। खुद से भी डिप्लॉय कर सकते। अब आते हैं क्लाउड की बात, कि जब वर्चुअलाइजेशन टूल आ गया तो उसके बाद क्लाउड आया। अब आते हैं कि सर क्लाउड का लाने का रीजन क्या है, जब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर क्लाउड क्यों लाया गया मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गई वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, उन्होंने अपना फ्री रिसोर्सेज यूज करना कर दिया। तो क्लाउड का लाने का जो मेन पर्पस था वो था अर्निंग और कॉस्ट। कि कंपनी ने सोचा कि जब यार एक कंपनी है जिसने अपना एक डेटा सेंटर डिप्लॉय करा, लाइक इस डेटा सेंटर पे मैं कहता हूँ 1 लाख सर्वर्स है, कंपनी कहती है मेरे पास 1 लाख सर्वर्स है वर्चुअली, जिसमें से मेरी कंपनी ओनली 10,000 सर्वर यूज कर रही है। Okay. कितने सर्वर यूज कर रही है? 10 के सर्वर यूज कर रही है, 90 सर्वर मेरे पास फ्री पड़े हुए हैं। मेरे पास 90 सर्वर क्या है, 90,000 सर्वर मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, फ्री पड़े हुए हैं। कंपनी कहती है कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और सारी चीज मेरे पास आ रही है। अब मार्केट में है कुछ ऐसी कंपनियां हैं या छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि 15 days, 1 month, 2 month, 3 month के प्रोजेक्ट आते हैं, जिनको कंपनियां पहले नहीं लेती थी, क्यों? क्योंकि उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी, फाइन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वर्चुअल सर्वर बना रहे। लाइक आज आपको मैं कहता हूँ, आप और आपके दो फ्रेंड्स हैं, अब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया जहाँ पर नीड है 20 सर्वर की, अब आपने 20 सर्वर खुद से लगाए और आपके फ्रेंड्स ने 20 सर्वर क्लाउड से ले लिए, आपके फ्रेंड ने 20 सर्वर क्लाउड से लीज पर ले लिया, आपने तो अपने खरीद के लगाए, और यहाँ पर उन्होंने कहाँ से ले लिए, लीज पर ले लिए क्लाउड से। लाइक कोई भी कंपनी है उसने लीज पर दिया, उसने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल उसने
20 सर्वर्स डिप्लॉय कर दिए क्लाउड पर, क्लियर, यहाँ फिजिकल डेटा सेंटर पर, यानी कि जो 90,000 सर्वर्स में से उसमें से 20 सर्वर्स आपके फ्रेंड को दे दिया। अब आपने 20 सर्वर्स के अलावा देयर आर एन नंबर्स और है, लाइक लोड बैलेंसर है, फायरवॉल की कॉस्ट है, ऑफिस स्पेस चाहिए, कूलिंग चाहिए, 24/7 आईटी टीम चाहिए, ये सारी कॉस्ट भी आएंगी। यस सर, बट यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है जिससे हमने लिया है। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक अगर आप किसी होटल के अंदर जाते हैं और अगर आप उस किसी आप गोवा गए हो, किसी आपने होटल में स्टे करा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या हर चीज, जो भी चीज उन्होंने बनवाई है या टूटती है, कोई भी चीज खराब होती है, तो उसके आप देते हो पैसे या होटल वाले पे करते हैं? आप सिर्फ रूम का रेंट पे करते हो, यू कैन पे फॉर सर्विस। आप ये थोड़ी ना कि अगर वहां का बेड टूटा हुआ था, बेड रिपेयरिंग का दोगे, टीवी खराब है तो टीवी भी रिपेयर कराओगे, उन सबके चार्जेस आप देते हो? नहीं नहीं, बट अगर आपका अपना खुद का घर होता तो पे करना पड़ता। तो यहाँ पर अगर आपने 20 सर्वर की कॉस्ट लगाई है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपके 20 सर्वर की कॉस्ट में कहता हूँ 1 CR आपका कॉस्ट आ गई। यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ गई? 1 CR, 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए तो आपने अपना इंफ्रा लगाने में खर्च कर दिया, बट यहाँ पर आपके इस फ्रेंड की जो कॉस्ट आई है हार्डली 1 लाख रुपीज, तो ये उन्होंने लीज पर लिया है। दूसरा, COVID-19 आ गया भाई, लॉकडाउन हो गया, उसने क्या करा, अपने सर्विस को लीज पे से डिलीट कर दिया कि भाई मुझे अभी नहीं चाहिए सर्विस, जब दोबारा से सारी चीज नॉर्मल होगी मैं तब अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। उसका लॉस कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। अब आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करा हुआ, COVID-19 आ गया और आपके सर्वर्स की और इन सब की सर्वर्स की लाइसेंसिंग कॉस्ट भी 1 ईयर की है, ठीक है। अब आपका 1 साल तक COVID-19 की वजह से लॉकडाउन लगा रहा है, तो आपके पास 20 लाख रुपए की क्या हो गई? 1 करोड़ रुपए की हो गई ना। लॉस यार, एक महीने हुआ तो ये लॉस ही तो हुआ। हाँ। दूसरा, आफ्टर 3 मंथ के बाद अगर एक्टिव भी रहता, बिजनेस चले ना चले, तो ये आपके फ्रेंड का लॉस हार्डली 2-4-5 लाख रुपए 10 लाख का होगा, बट अगर बिजनेस नहीं चला तो आपका तो पूरा 1 करोड़ का लॉस है। यस सर, दिस इज द एडवांटेज कि क्लाउड के लाने के लिए बेनिफिट्स है कि अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप होता है या कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है छोटे से लेके बड़े तक, तो हमें हर जगह इंफ्रा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी लीज पर ले सकते हैं। पहले क्या था, पहले हर कंपनी को अपना इंफ्रा बनाना पड़ता था। Like I am talking about like HCL या IBM जैसी companies की बात करूं, there are n numbers of projects उनके पास आते हैं, तो उनके पास भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो 15 डेज का है, तो 15 डेज का प्रोजेक्ट ये कंपनियां नहीं लेंगी। कोई भी नहीं लेगा, 1 महीने 2 महीने का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि 1 मंथ में वो क्या लेंगे कि भाई मेरे को आप प्रोजेक्ट तो दे रहे हो, चलो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है 1 मंथ का, बट अगर मैं देखूं कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट 1 मंथ का मुझे कंप्लीट करने के अंदर मेरी, मैं कहता हूँ मेरे को 10-20-30 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, आईटी टीम रखनी पड़ेगी, पूरा डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, तो मेरा 2-3 करोड़ रुपए तो चला गया इसी में, ठीक है ना, या 4 करोड़ चला गया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद पेमेंट मिले ना मिले, छोटा प्रोजेक्ट है, 1 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैं क्या अपने एम्प्लॉयियों को निकालूंगा और दूसरा प्रोजेक्ट पता नहीं कब तक मिले मेरे को। तो कोई भी कंपनी छोटा प्रोजेक्ट नहीं लेती थी क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट थी, बट अब क्या हो रहा है कि अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ही खत्म हो गया, एचएल के लिए ठीक है मेरे पास एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय की सैलरी तो मुझे देनी है, मेरे इंफ्रा की कॉस्ट कौन सी आ रही है? उसने कहा मैं वर्चुअल सर्वर बना देता हूँ, काम हो जाएगा, वर्चुअल सर्वर डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो मेरे फिजिकल सर्वर की आ रही है। भाई आपका डेटा, आप चाहे पेनड्राइव में जितनी बार डेटा रखो और जितनी बार डेटा डिलीट करो, कॉस्ट तो आपकी पेनड्राइव की 1 टाइम गई ना। कॉस्ट कब जाएगी? जब पेन ड्राइव आपकी खराब होगी, जब आपका स्टोरेज खराब होगा, कॉस्ट तो तब जाएगी ना आपके पॉकेट से। तो सेम है कि यहाँ पर फिजिक कंपनी की कॉस्ट कब जाएगी? जब कंपनी का डेटा सेंटर का सर्वर अगर क्रैश होता है, अदरवाइज वर्चुअल सर्वर्स पे डिलीट हो जाता है विद इन 5 मिनट्स, आप नया सर्वर डिप्लॉय कर लो। तो दिस इज एडवांटेज
कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए हम लीज पर ले सकते हैं, तो मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर है क्लाउड के वो चार प्लेयर हैं। एक है आपका AWS जो कि सबसे टॉप पर है, देन Azure, देन आपका आ जाता है आपका GCP गूगल क्लाउड एंड अलीबाबा चाइना का है, पता होगा। तो ये चार क्लाउड है, ये चारों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको लीज पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? ओके, अब आता है AWS की, अब हम बात करते हैं। तो जो कि हमारा टॉपिक है AWS, अगर हम Amazon वेब सर्विस की हम बात करते हैं AWS की, तो AWS के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दो चीजें हैं, पहली जो चीज है और सेकंड चीज। जो फर्स्ट चीज है AWS के अंदर वो है लोकेशन। लोकेशन जिसको हम बोलते हैं रीजन, और जहां तक है मेरे पास अब जो है 24 लोकेशंस है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि Amazon के पास जो Amazon ने अपने डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करे हुए हैं, Amazon ने जो अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय करे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रीजन। लोकेशन यानी कि रीजन, तो उनको क्या बोला जाता है? रीजन। और वो कितनी लोकेशन से डिप्लॉय करे हुए हैं? 24। तो या तो आप 24 कंट्रीज इनको बोल सकते हैं। तो Amazon ने जो अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय करे हैं वो 24 रीजन यानी कि 24 कंट्रीज के अंदर डिप्लॉय करे हुए हैं, मे बी और बढ़ गए हैं। गॉट इट माई पॉइंट? लाइक US, सिंगापुर, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, नॉर्थ वर्जीनिया, आयरलैंड, इंग्लैंड, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर उन्होंने क्या करे अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय करे। और दूसरी जो चीज है वो है एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो एबिलिटी जोन, एबिलिटी जोन का मतलब है फिजिकल डेटा सेंटर एंड ईच रीजन मिनिमम टू डेटा सेंटर। ईच रीजन मिनिमम टू डेटा सेंटर्स हैं और थ्री भी हैं। अब एबिलिटी जोन की अगर हम बात करते हैं तो एबिलिटी जोन का मतलब है डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर, यानी कि Amazon ने क्या करे हुए हैं अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एबिलिटी जोन बोलते हैं। और ये जो फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं ये कहां पर बने हुए हैं? रीजन के अंदर बने हुए। तो 24 रीजन में मल्टीपल एबिलिटी जोन्स हैं और ईच रीजन मिनिमम टू डेटा सेंटर यानी कि टू एबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। हो सकते नहीं है, टू और मोर, मिनिमम दो तो रहेंगे। अब आता है कि सर ये एबिलिटी जोन का यूज क्या है, तो बता देते हैं कि सपोज करो मेरे ये एक रीजन है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माई रीजन, या मैं इसको बोलता हूँ मेरी कंट्री है जिसको हम रीजन बोलते हैं, दिस इज अ रीजन जिसका नाम है मुंबई। फाइन, मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन के अंदर मेरे पास जो Amazon ने डिप्लॉय करे हुए हैं डियर वो थ्री डेटा सेंटर डिप्लॉय करे हुए हैं। तो मुंबई के अंदर हमारे पास हाउ मेनी एबिलिटी जोन्स? थ्री एबिलिटी जोन्स अवेलेबल्स है, यानी कि हाउ मेनी डेटा सेंटर्स? थ्री डेटा सेंटर्स अवेलेबल्स है। और इन डेटा सेंटर्स के जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, AP-FOUTH South-1A यानी कि डेटा सेंटर ए, डेटा सेंटर बी एंड डेटा सेंटर सी। सॉरी यार, सी बना दिया, कोई नहीं, बी इधर बना देता हूं।
सी बना दे रहा हूँ इधर भी, और इसको डिलीट करके डेटा सेंटर बी। तो ये तीन डेटा सेंटर्स हैं। अब आपकी एक कोई कंपनी है, आपका फ्रेंड है, अब आपका फ्रेंड क्या करता है, आपका फ्रेंड कहता है ठीक है मेरे को जो कुछ एक वेब सर्वर बनाना है, यानी कि वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, तो सिंपल सा है कि आप हमेशा कोई भी सर्वर बनाते हो तो उसका बैकअप भी बनाते हो। यस सर। लोड शेयरिंग के लिए बैकअप बनाते हो या नहीं बनाते हो? इसी तरीके से वो कहता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मेरा एक सर्वर तो मेरे एबिलिटी जोन वन ए के अंदर बने और दूसरा सर्वर मेरा एबिलिटी जोन बी के अंदर बने। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी रीजन से मेरा अगर पहला डेटा सेंटर जाता है डिजास्टर रिकवरी की वजह से, किसी भी वजह से, तो मेरा जो नेटवर्क है वो 100% दूसरे डेटा सेंटर से एक्टिव रहे। सेफ है। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक लुक लाइक है कि जिस तरीके से अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपको पावर बैकअप या तो इन्वर्टर से मिल जाएगा, जनरेटर आपने लगा रखा है। गॉट इट माय पॉइंट? इसीलिए तो हम लगाते हैं ना, यूपीएस हम सिस्टम्स के साथ लगाते हैं, या लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो किस लिए होती है? इसीलिए तो होती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो लैपटॉप की बैटरी पर हमारा लैपटॉप रन हो जाए। या घर में इन्वर्टर हम लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, दिस इज द रीजन ना कि वो हमें बैकबोन प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए जैसा मल्टीपल डेटा सेंटर्स का यूज ही यही है कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि बैकबोन, कि हमारा जो नेटवर्क है वो 24/7 एक्टिव रहना चाहिए किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। सेकंड कि ये जो डेटा सेंटर्स है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो कभी भी ईच रीजन मल्टीपल डेटा सेंटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द लैन नेटवर्क। तो ये जो आपके एक जो है ना डेटा सेंटर, ये एक लैन नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लैन नेटवर्क का मतलब है कि इस मशीन को इस मशीन से एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक नेटवर्क पर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली, इन दोनों मशीन का कम्युनिकेशन है वाया प्राइवेट नेटवर्क ही आपका होगा। वन बाय वन हम आगे चलेंगे तो आपका प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। तो कभी भी जब भी हम कोई भी लैब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें, अगर आप इफ यू क्रिएट द एनी वर्चुअल मशीन, अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, इफ यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, तो सबसे पहले हमें वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, अगर हम कोई भी वर्चुअल मशीन, अगर हम, मैं यहाँ पे बता देता हूँ हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो अब आता है कि अगर आपको कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, हाउ टू क्रिएट, यहाँ पर बोला जाता है इंस्टेंस, तो AWS के अंदर इंस्टेंस बोला जाता है, और वहीं पर ही आपको आपका इनको Azure के अंदर इनको बोला जाता है VM, वर्चुअल मशीन। तो इंस्टेंस का मतलब भी वर्चुअल मशीन ही है। अगर आप कोई भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स है। क्या रिक्वायरमेंट है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डियर, सिलेक्ट रीजन। आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी मशीन को यूएस के अंदर बनाना चाहते हो, या आप अपनी मशीन को मुंबई के अंदर बनाना चाहते हो, या लंदन बनाना चाहते हो, कहां पर। तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जब भी आप क्लाउड पे कोई भी चीज डिप्लॉय कर रहे हो तो डिप्लॉय करने के लिए आपको वो मशीन कहां पर, किस लोकेशन पर बनानी है। गॉट इट माय पॉइंट? सिंपल साइज, अगर आपको कोई फाइल आप बना रहे हो अपने लैपटॉप के अंदर भी, वहां पर भी आप देखते हो कि आपको फाइल डेस्कटॉप पे सेव करनी है, या आपको डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, किस ड्राइव के अंदर सेव करनी है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर सेव करनी है। गॉट इट माय पॉइंट? सेम इसी तरीके से जब भी आप क्लाउड पे कोई भी वर्चुअलाइजेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो रीजंस है ना, तो ये रीजंस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये रीजंस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। जो रीजन, अगर आपने मुंबई रीजन के अंदर कोई मशीन बनाई है, वो यूएस में आपको डिस्प्ले नहीं होगी।
सबसे पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा. अब रीजन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट आपका सिलेक्ट करने के लिए आएगा, वो आपका आएगा एएमआई, सिलेक्ट द एएमआई. इवन टॉकिंग अबाउट द एएमआई, एएमआई का मतलब है अमेजॉन मशीन इमेज, जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब है कि आपको कौन सी विंडो आप इस मशीन पर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो. फाइन, सो नोट करके मैं यहाँ पे एक चीज भी लिख देता हूँ, द अमेजॉन AWS प्रोवाइड ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो अब Amazon जो है वो सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोवाइड कराता है. लाइक अगर आप यहाँ पर ढूंढोगे ना विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे. तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो पॉइंट नंबर वन आपको रीजन सिलेक्ट करना है, पॉइंट नंबर टू कि आपको इसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, AMI, कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करना चाहते हो. देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो इसका जो नेक्स्ट कंसोल आएगा वो आपका यहां पर आएगा इंस्टेंस टाइप. तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप. अब इंस्टेंस टाइप क्या है, तो जो इंस्टेंस टाइप है, तो इंस्टेंस टाइप के अंदर आपको सिलेक्ट करना है हार्डवेयर, सिलेक्ट क्या करना है हार्डवेयर, यानी कि आपको कितनी रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कितने सीपीयू चाहिए. व्हाट इज माय पॉइंट, तो अमेज़न में जो मैक्सिमम रैम है वो 3904 GB रैम का सर्वर अवेलेबल है. देखिए आप जिस सर्वर के अंदर 3000 GB रैम हो, 3900 GB रैम हो, अप्रोक्सीमेटली 4000 GB रैम हो, तो सर्वर की आप परफॉर्मेंस जान सकते हो कि आपके लैपटॉप में अगर 8 GB या 16 GB हो जाती है तो लैपटॉप कितनी हाई परफॉर्मेंस आप लोग मानते हो. बट जिसके अंदर 4000 GB रैम हो, तो वो उसकी अप्रोक्सीमेटली 4000 GB रैम हो, तो उसकी स्पीड क्या होगी. तो यहाँ पर आपको एक फ्री हार्डवेयर मिलता है जिसका नाम है T2 Micro. तो T2 Micro के अलावा जो भी हार्डवेयर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका चार्जेबल होगा. T2 Micro फ्री है, तो जब भी आप कोई लैब करो तो T2 Micro सिलेक्ट करना है. इसके अलावा अगर आपने कोई भी हार्डवेयर सिलेक्ट करा तो उसके चार्जेस ऑन द स्पॉट आपको लग जाएंगे. गॉट इन माय पॉइंट. तो इंस्टेंस टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, हार्डवेयर सिलेक्ट करना है. इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके बाद आपके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इंस्टेंस डिटेल्स. इसके बाद वो पूछता है इंस्टेंस डिटेल्स. इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपका आएगा नंबर ऑफ इंस्टेंस, मैंने यहां पे लिख दिया 5. अगर आपने नंबर ऑफ इंस्टेंस में 5 कर दिया तो आपके 5 सर्वर्स बन जाएंगे. गॉट माय पॉइंट. इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर कि नंबर ऑफ इंस्टेंस में अगर आपने 1 लिखा तो 1 सर्वर एक बार में क्रिएट होगा, अगर आपने 5 लिख दिया तो 5 सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, अगर आपने 10 लिख दिया तो आपके 10 सर्वर्स क्रिएट हो जाएंगे, अगर आपने 20 लिखा तो विद इन 3 मिनट 20 सर्वर्स आपके रेडी हो जाएंगे. क्या इतनी जल्दी आप फिजिकल सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो? नहीं. गॉट इन माय पॉइंट. दूसरा यहां पर आएगा नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग के अंदर लाइक लुक लाइक जिस तरीके से आप देखते हो वाईफाई से जब आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो काफी सारे वाईफाई आ रहे होते हैं, बट आप उसी वाईफाई से कनेक्ट करते हो जिस वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास हो, जो आपका नॉन हो. इसी तरीके से नेटवर्किंग में वहां पर काफी सारे VPC आ रखे होंगे. तो VPC इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये इसका नेटवर्किंग का पार्ट है, आगे हम कवर करेंगे. तो यहाँ पर हमें अपना VPC सिलेक्ट करना पड़ता है. VPC का मतलब है नेटवर्किंग.
गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आता है सबनेट। सबनेट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट एबिलिटी जोन, यानी कि डेटा सेंटर, कि आपके पास तीन डेटा सेंटर्स हैं, तो वहां पे तीनों डेटा सेंटर्स के सबनेट्स आ रहे होंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुंबई रीजन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो मुंबई रीजन के अंदर हमारे थ्री डेटा सेंटर है। तो अगर आपने यहाँ पर डेटा सेंटर ए को सिलेक्ट करा तो आपकी मशीन कहाँ पर सिलेक्ट होगी, डेटा सेंटर ए पर जाके डिप्लॉय होगी। अगर बी सिलेक्ट करा तो बी पे डिप्लॉय होगी, अगर सी आपने सिलेक्ट करा तो सी पे डिप्लॉय होगी। देन नेक्स्ट आपका आएगा पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो ऑलवेज पब्लिक आईपी आपको यहाँ पर इनेबल करना है। क्यों करना है अभी आगे आपको पता लग जाएगा। और जो सबनेट्स हैं इनसे आपकी मशीन को मिलेगा प्राइवेट आईपी। तो मैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, तो ये सेटिंग्स करनी है। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स भी होती है जो मैं आगे, आप जैसे जैसे क्लाउड में बढ़ेंगे तो वो चीजें भी आपको पता लग जाएंगी। फिलहाल जो मैंडेटरी सेटिंग्स है वो है कि नंबर ऑफ इंस्टेंस आप कितने बनाना चाहते हैं, चॉइस इज योर, वन या टू। नेटवर्किंग में आप कौन सा वीपीसी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एक वीपीसी बना रहता है डिफॉल्ट, तो हम उसी डिफॉल्ट वीपीसी को सिलेक्ट करेंगे। सबनेट्स कौन से एबिलिटी जोन के अंदर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, एबिलिटी जोन ए के अंदर रखना चाहते हो, बी के अंदर, सी के अंदर। देन पब्लिक आईपी, अगर आप अपनी मशीन को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हो, कहीं भी किसी भी लोकेशन पर आप अगर अपनी मशीन को एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन इनेबल द पब्लिक आईपी। अगर आप चाहते हो नहीं मैं मेरी मशीन सिर्फ पर्टिकुलर लैंड में ही एक्सेस हो, तो आपको पब्लिक आईपी डिसेबल कर देना है। बट इफ यू रिक्वायर्ड कि पब्लिक आईपी की, अगर आप अपनी मशीन को यूएसबी एक्सेस करना चाहते हो, कहीं भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपको पब्लिक आईपी इनेबल करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट डियर? हेलो, गॉट इट माय पॉइंट डियर? ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है इसी के अंदर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिक्योरिटी ग्रुप। देवब्रत आर यू देयर? देन सिक्योरिटी ग्रुप के बाद आपका आता है यहाँ पर स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में बात करता हूं कि स्टोरेज का मतलब है कि यहाँ पर आपका 30 GB स्टोरेज फ्री है। अगर आप इसके अलावा कोई भी स्टोरेज लेते हैं, स्टोरेज लाइक का आपकी हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम EBS स्टोरेज बोलते हैं, तो यहाँ पे 30 GB स्पेस फ्री है। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टोरेज लेना चाहोगे तो वो स्टोरेज आपका चार्जेबल होगा और यू कैन पे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 30 GB स्पेस रहता है, जो कि वहां पर लिखा भी रहता है। देन उसके बाद आपका टैग आता है। तो टैग इज नथिंग, दिस इज अ कमेंट।
लाइक आपने नाम दे दिया यहाँ पर कि आप पर्टिकुलर ये नाम रखना चाहते हो कि दिस इज माई VM1 या फिर दिस इज फॉर माई लाइनक्स सर्वर, फॉर वेब सर्वर, तो जो भी आप कमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं वो कमेंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है की पेयर। तो की पेयर, की पेयर की अगर मैं बात करूं तो इस इज नथिंग, दिस इज अ क्रिप्टोग्राफी कि यहाँ पर पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है। और पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपकी जो अमेजोन है ना वो एक काफी लेयर सिक्योरिटी है कि कभी भी आपकी किसी भी मशीन का पासवर्ड ना वो डायरेक्टली नहीं देता है। उसको यहाँ पर देने का रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर आप जो भी चीज डिप्लॉय करोगे, जो भी चीज आप यहाँ पर बनाओगे, उसके लिए पहले आपको एक की देगा प्राइवेट की, और उस प्राइवेट की से आपको जो है इनक्रिप्ट होगा आपका पासवर्ड, देन आपको न्यू पासवर्ड जनरेट होगा आपकी मशीन का। तो अगर आपकी ये की पेयर आप किसी को शेयर भी कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी मशीन का की पेयर है, और आपको हर मशीन के लिए मल्टीपल की पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज सिंगल की, एक सिंगल की पेयर से आप मल्टीपल मशीन की पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। बट ये कि आपको ये जो की पेयर है मशीन को बनाते वक्त ही ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने मशीन बनाते हैं और की पेयर ऐड नहीं करा तो आपकी मशीन लॉगिन ही नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको की पेयर ड्यूरिंग, जब आप मशीन डिप्लॉय कर रहे हो अपनी, तभी आपको ये की पेयर डिप्लॉय करना पड़ेगा। वन मोर थिंग कि अगर आप विंडोज की मशीन बना रहे हो तो आपको डॉट PEM एक्सटेंशन की पेयर बनाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर लाइनक्स की मशीन बना रहे हो तो, या CLI से रिलेटेड मशीन बना रहे हो तो ग्राफिक्स से रिलेटेड बना रहे हो .PEM, और अगर आप लाइनक्स की मशीन बना रहे हो तो आपको .PPK के एक्सटेंशन की पेयर यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपकी मशीन को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी कि कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, क्या हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, क्या नेटवर्किंग सेलेक्ट करना है, क्या प्रोटोकॉल अलाउ करना है, कितना स्पेस एलोकेट करना है, क्या मशीन का नाम लिखना है, कौन सी की पेयर है, देन उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर इफ यू क्रिएट, इफ यू क्रिएट लाइनक्स वर्चुअल मशीन, लाइनक्स और CLI कंसोल मशीन, तो CLI मशीन अगर मैं बोलता हूं तो लाइक अगर आप ऐसी कोई भी मशीन डिप्लॉय करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट ही आता है रिक्वायर SSH प्रोटोकॉल अलाउ फ्रॉम सिक्योरिटी ग्रुप एंड .PPK की पेयर, और इफ यू क्रिएट विंडोज, इफ यू क्रिएट विंडोज और GUI इंस्टेंस रिक्वायर और मैंडेटरी भी बोल सकता हूं रिक्वायर्ड RDP प्रोटोकॉल अलाउ फ्रॉम सिक्योरिटी ग्रुप एंड .PEM की पेयर। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो या आप लाइनक्स का इंस्टेंस या फिर आपको एक ऐसा इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जो कि आपका एक ग्राफिक बेस्ड है और एक आपका इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक आपका कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड है, तो उस सिनेरियो में आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी अलग हो जाएंगे और आपका जो कंसोल एक्सेस करने का वो भी है। तो कभी भी आप CLI रिलेटेड किसी भी कंसोल पे काम करते हैं तो उस सिनेरियो में आपको जो चाहिए वो आपका SSH एंड .PPK के एक्सटेंशन की पेयर चाहिए, और देन वहीं पर ही अगर आप कोई भी विंडोज से रिलेटेड अगर आप यूज कर रहे हैं
तो विंडोज से रिलेटेड या जीयूआई से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपको .pm एक्सटेंशन की और SSL RDP प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है। तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो कल की क्लास है, टुमारो या नेक्स्ट क्लास में हम जब भी है नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं शेयर करूंगा, तो हाउ टू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स एंड हाउ टू डिप्लॉय की पेयर एंड हाउ टू क्रिएट सिक्योर टी ग्रुप्स और हाउ टू ऐड टैग्स, तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली कि नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। तो थैंक यू डियर, फिर कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइस।